तो पावर को आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमने ये स्विच दबाया तो यहाँ से देखो ये काफ़ी शानदार ये वेल हो गया और इसको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे गोरांग वेल्डिंग मशीन के YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए जो मशीन लेके आए हैं, ये वाला जो मशीन है वो काफ़ी अलग मशीन है और कुछ नया हटके है ये मशीन। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसके अंदर हम आपको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे किस तरह से ये मशीन चलता है, क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या फीचर्स है, कितनी कैपेसिटी है, कितना पावर चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के रोज़ नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारा है। अगर आप टेक्नोलॉजी के चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी आपको पसंद है तो हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका टाइम नहीं बिगाड़ता हूं मैं और आपको ये मशीन के बारे में बताता हूं। ये जो मशीन आप देख रहे हो अभी वो 10 केवी का मशीन है, बट वेल्डिंग मशीन जिसको कहते हैं। ये है हमारा बट वेल्डिंग मशीन 10 केवी का, पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अगर चलाने के लिए आपको एक एयर कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। 2 HP का मिनिमम आपको एक एयर कंप्रेसर चाहिए जो इसके अंदर काम करेगा। अच्छा, ये यूज किसको होता है मैं आपको बताऊँ तो जो लोग रोड का काम करते हैं, मतलब 1 mm का रोड जो है, SS या MS का रोड है, वो 1 mm से लेके 8 mm तक जो रोड है उसके अंदर ये हमारा मशीन चलेगा। दोनों सिरे एक साथ ज्वाइंट करने हैं, इसके लिए ये मशीन चलता है। मैं अगर आपको एक सैंपल दिखाऊं तो कुछ इस तरह का रोड होते हैं। ये हमारे रोड है। अगर ये 2 रोड को जो है ना सामने ज्वाइंट करना है, कुछ इस तरह से सामने ज्वाइंट करना है, तो ये मशीन आपका काफ़ी आपके लिए किफ़ायतमंद रहेगा और स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर कोई किचन बास्केट बनाता है, कोई किचन ट्रॉली बनाता है तो उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार मशीन है। उसके अलावा कोई रिंग बनाना है, कोई जगह पे रिंग यूज़ करना है, कोई खिलौने बनाता है, जिसको भी वायर प्रोडक्ट बनाते हैं उन सब के लिए ये मशीन काफ़ी अच्छा होता है। ये मशीन 10 KV का है और इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट कैपेसिटी होती है। इसके लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम आपको तो 3 फेज का आपको चाहिए, कम से कम आपको 3 फेज का लाइन होना चाहिए। सिंगल फेज में ये मशीन बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसके लिए छोटा मशीन आता है जो हमारे पास अवेलेबल है। आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी दे देंगे। बट फिलहाल जो मशीन आप देख रहे हो इसके लिए 3 फेज की लाइन चाहिए, जिसमें से 2 फेज इसके अंदर लगेंगे और साथ में न्यूट्रल लगता है। साथ में हम आपको जो है ये मशीन जो है प्योरली कॉपर वायरिंग है और 2 साल की फुल गारंटी के साथ हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको इसके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मशीन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 2 फुट स्विच दी गई यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फुट स्विच। ये है हमारी फुट स्विच जिससे ये ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है वो भी मैं आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा। साथ में ये जो है वो इसके पावर एडजस्ट होता है, इसके पावर जो है प्लस माइनस होता है। ये क्लैंप है। साथ में 3 सिलेंडर आते हैं, यहाँ पे 2 सिलेंडर लगाए गए और यहाँ पे 1 सिलेंडर लगाया हुआ है। तो टोटल 3 सिलेंडर के साथ ये मशीन आ रहा है। तो मशीन के अंदर जो है पीछे की तरफ जो है वो सोलर वाल्व भी लगे हुए हैं, जहाँ से आपको एयर कंप्रेसर का एक वाल्व देना है। कंप्रेसर की नली जो है वो पीछे की तरफ लगानी होती है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले एक बार डेमो दिखा देता हूँ, डेमो किस तरह से यूज होता है, क्या है। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार पहले आपको डेमो की तरफ चलते हैं हम। अभी आपको जो है ना हम यहाँ पे ये 3 mm की सड़ी है जिसको हम आपको बट करके दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्विच दी गई है। पहली वाली स्विच दबाते ही ये जो है ना क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये क्लैंप हो गया, ये पकड़ गया दोनों। उसके बाद जैसे दूसरी वाली स्विच यहाँ पे हम दबाते हैं ना तो ये बट हो गया। ये देखो यहाँ पे बट हो गया और इसको ही दबाते हैं, जैसे ये वाला स्विच है इसको दबाते ही खुल जाएगा। आप देखो ये काफी शानदार बट हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको अगर आपने जो है ना ज्यादा कम करना है तो इससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेटिंग दिया गया है, इससे आप इसको जो है प्लस माइनस कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे हम एक और करते थे, पहले वाला और दूसरे वाले में फर्क मैं बताता हूँ। अभी ये जो सड़िया है ना वो 3 mm का है, ये हमने 3 mm का रखा है। यहाँ पे हमने इसको क्लैंप किया और ये हो गया बट, तो इसको छोड़ गए। तो पहले से देखो ये काफ़ी अच्छा हो गया। ये पहले वाला था, इसमें बढ़ जाता था, इसमें थोड़ा कम आया। अब इसको हम यहाँ से जो है ना फिर एक और सेटिंग कर सकते हैं जिससे हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम कर सकते हैं ज़्यादा तक। देखिए यहाँ पे हम इसको जो है ना अभी ये कर रहे हैं और ये हो गया क्लैंप और ये हो गया बटन। देखिए ये 4 mm का भी काफ़ी शानदार हो गया, ठीक है। अब ये टूटेगा नहीं, देखो इस जगह से तो नहीं टूटेगा, जहाँ से हमने वेल्ड किया वहाँ से नहीं टूटेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ये बड़े वाले रोड की, ये वाले अगर ये पकड़ के चले तो अपना 7 mm का यहाँ पर हमने रख दिया, इसको हमने क्लैंप कर दिया यहाँ पे था। और देखो यहाँ पे ना स्विच दी गई है, यहाँ पे स्विच दी गई है। ये पावर प्लस में निकल जाएगा, अगर आपका काम बड़ा है तो पावर को आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमने ये स्विच दबाया तो यहाँ से देखो ये काफ़ी शानदार ये वेल हो गया और इसको ये देखिए बहुत ही कम बढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया अपना 6-7 mm का सरिया हो गया। टोटल ये मशीन के अंदर 8 हो जाएगा। इस तरह की कोई रिंग है आपके पास, अगर आपके पास ये रिंग है तो पावर को वापस मैं कम करता हूँ और सेटिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, क्लैंप कर दिया मैंने दोनों को और ये हो गया। देखो ये रिंग काफी शानदार बट हो गई। इसके अलावा अगर हम अभी हमने एक बार आपको 6 mm का सरिया करके दिखा रहे हैं, ये अपना 6 mm का राउंड है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया और जैसे हम इसको दबाते ना ये हो गया क्लेम। उसके बाद जैसे हम फुट स्विच दबाते हैं तो यहाँ पे देखो ये काफी शानदार होगा, ये हमने फुट स्विच दबाया, ये हो गया बट। ठीक है, अभी जैसे ही इसको हम खोलेंगे यहाँ पे, हाँ देखो हो गया ना बट। तो ये काफी शानदार बट, इसके अंदर जो है ना अभी 1 mm से लेके 3 mm के सारे हो जाते हैं। ये भी एक बार आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये एक छोटा सा है बट कुछ आइडिया लगेगा। और इसकी स्पीड तो है बहुत ही लाजवाब है, आप इसकी स्पीड को अगर पकड़ के चले तो ये 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 को और कर सकता है। इसके अलावा यहाँ से जो ना ये बर्ड कम करने के लिए सेटिंग दिया गया है हमने, यहाँ से आप इसको बर्ड कम कर सकते हो। ये सिलेंडर है इसका जो यहाँ पे है, यहाँ से आप एयर कंप्रेसर को जो इसको खोलोगे तो कंप्रेसर की स्पीड में जैसे ही हमने ये खोला ना तो देखो ये आपको मैं खोल के बताता हूँ, जैसे ये हमने खोल दिया तो इसकी कंप्रेसर की ये जाने का स्पीड देख रहे आप बहुत ही स्पीड में जा रहा है। जबकि इसको हमने बंद कर दिया, वापस करता हूँ एक बार, जैसे हमने इसको टाइट कर दिया, जैसे हमने ये पूरा का पूरा टाइट कर दिया इसको। ठीक, अभी इसकी जाने की स्पीड देखना बहुत ही आसान है, धीरे धीरे जा रहा है ये। ठीक है, ये जा रहा है तो आप उसका स्पीड आने का और जाने का दोनों का कवर कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अलावा ऊपर से ये सिलेंडर जो टाइट हो रहे हैं ना इसका भी प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो सिलेंडर नीचे है ना इसका भी प्रेशर के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर वाल्व दिया गया है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना हमने ये दिया गया है, आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हो इस जगह से, इसको इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना कनेक्शन कैसे देना है उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे 3 वेज का कनेक्शन दिया गया है जिसके अंदर एक कनेक्टर है, इसमें पहला वाला न्यूट्रल है जिसमें हमने स्पीकर लगाया हुआ है, दूसरे दोनों फेज है, एक न्यूट्रल और दोनों फेज आपको लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखो हमने 2 घड़ियाँ दिया हुए हैं जिसके अंदर जो है एयर का कंप्रेसर आप सेट कर सकते हो अलग अलग अपने हिसाब से। यहाँ से आप अपना एयर का कंप्रेसर कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो है ना एयर की नली लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोर वाला है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये है ना उसका एयर निकालने के लिए, यहाँ से आपका एयर कंट्रोल होगा, यहाँ पे पानी भर जाता है तो यहाँ से निकलेगा। बाकी ये दोनों के लिए अलग अलग वाल दिए गए हमारे, यहाँ से आप वाल को इसको कुछ इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 2 फ्लोर वाल दिए। अगर कहीं पे ऐसा हुआ जिस चीज को दबाते ही ये आपका है ना चेक हो जाता है, चल रहा है नहीं। और यहाँ पे भी दिए, देखिए जैसे हमने ये चीज दबाया ना दोनों सिलेंडर नीचे आ जाएंगे, छोड़ दिया वापस आ जाए। अगर इसको लॉक करना है तो इस तरह से कर दो, लॉक हो गया। अगर आपको करना है कभी टेस्टिंग के लिए, अगर आपको चेक करना है तो ये हो गया। ठीक है, ये आप इस तरह से कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोनों हमने स्विच दी गई है, एक जो है वो लॉक करने के लिए, ये स्विच में दबाता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा। देखो आप एक बार आपको आइडिया आ जाएगा, ये स्विच दबाने से लॉक हो जाएगा, ये दबाने से अनलॉक होगा और ये स्विच दबाने से वापस ये जो है ना मूव करेगा। इतनी बारी पावर आएगा जब यहाँ पे पावर चल रहा है, जैसे टच करेगा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ जो है ना टाइम कंट्रोल कर दीजिए। अगर ये मशीन के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए ना तो मुझे आप बता सकते हो। और अगर आपको आगे कैसे होगा खरीदना चाहते हो तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम इस नंबर में। तो दोस्तों आपने जैसे देखा यहाँ पे इस मशीन का हमने आपको एक लाइव डेमो करके भी दिखा दिया, ये मशीन कैसे काम करता है। इसके अंदर हमने आपको जो दिखाया उसके रास्ते 1 mm, 2 mm, 3 mm से लेकर 6 mm तक वायर मैंने आपको करके दिखाया, जिसके अंदर जो बड़ आता है जैसे कि हमने आपको दिखाया, जहाँ पे जिसको बड़ कहते हैं हम, दो जब ज्वाइंट होते हैं ये शिरे तब जो निकलता है उसको हम बड़ कहते हैं। आपकी भाषा में कुछ अलग होता है बट हमारे यहाँ पे इसको बड़ ही कहते हैं। तो वो आएगा उसको कितना कम हो सकता है, कम से कम हो उतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली हुई हमने। अगर ये मशीन आप खरीदना चाहते हो, इस मशीन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप राजकोट भी आ सकते हो, हमारी फैक्ट्री पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे ये मशीन आपके लिए हर टाइम अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो इसको और लेके भी जा सकते हो। अगर आप कहीं पे भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, हम आपको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ से आप मशीन को जो एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक भी हम देते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट करो, हमारे जो सेल्स सपोर्ट है आपको वहाँ से पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर इसके लिए कुछ इस तरह का कोई भी मशीन चाहिए आपको तो भी आप हमें नीचे कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि हमें इस तरह का मशीन चाहिए, तो हम आपको वो भी मशीन बना के इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर मशीन में कुछ दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई पार्ट चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर ये मशीन आप खुद लेके बेचना चाहते हो तो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और फॉलो बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो टेक्नोलॉजी का वीडियो है उसके अपडेट आपको मिलते रहे। जी नमस्कार, धन्यवाद।